जहां पर कूड़े पर एलजी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है। आपको बता दें कि एलजी को खुद सुपरमैन समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एलजी खुद को सुपरमैन समझते हैं, कूड़े को लेकर के ये फटकार लगी है एलजी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। एलजी बताएं कि कूड़े के पहाड़ कब हटेंगे। बता दें कि पूरा दिल्ली कूड़े के ढेर पर है और इस पूरे मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती नजर आई है और एलजी को फटकार लगाते हुए उन्होंने पूछा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये जवाब मांगा गया है एलजी से कि कूड़े के पहाड़ दिल्ली से कब हटेंगे, हर मामले में मुख्यमंत्री को ना घसीटा जाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया है कि हर मामले में सरकार को ना घसीटा जाए, मुख्यमंत्री को ना घसीटा जाए, जबकि एलजी से ये सवाल, ये जवाब मांगा है अब सुप्रीम कोर्ट ने कि दिल्ली में कब हटेंगे कूड़े के पहाड़। इंद्र सेन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। इंद्र सेन, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी फटकार लगी है एलजी को और इससे पहले भी एलजी की तरफ, एलजी और सरकार को लेकर के जो खींचतान थी उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने साफ निर्देश दे दिए थे और इसके बाद अब एलजी पर भी सख्त है सुप्रीम कोर्ट। अब बिल्कुल शिल्पी, देखिए बता दो, राजधानी दिल्ली में जो कचरा प्रबंधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है गुरुवार को। हालांकि एलजी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया गया था, एलजी की ओर से कहा गया था कि कचरा प्रबंधन के लिए वो जिम्मेदार नहीं है बल्कि निगम जिम्मेदार है। इस पर लगातार बैठक कर रहे हैं एलजी, ऐसा उनका कहना है। और लेकिन उन्होंने जो हलफनामा दाखिल किया था शिल्पी, उन्होंने आर्टिकल 239 ए का हवाला दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस हलफनामे से संतुष्ट नहीं है, सबसे बड़ी अदालत देश की, और उन्होंने एलजी से ये पूछा है, एक स्टेटस रिपोर्ट बकायदा मांगी है कि आखिरकार जिस तरह से दिल्ली में, चाहे वो भलसवा डेयरी का इलाका हो या फिर गाजीपुर मंडी का इलाका हो, वहां पर लगातार जो कूड़े के पहाड़ हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बरसात के बाद चिकनगुनिया मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं, उसको लेकर अब एलजी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और ये कहा है कि आप लैंडफिल साइट्स के हटाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इंद्र सेन, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सख्त आदेश और हिदायत दी गई है एलजी को और ये भी कहा गया है कि हर मामले में मुख्यमंत्री को ना घसीटा जाए, तो कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले पर ये मान रही है कि एलजी और सरकार के बीच जो तनातनी है उसे लेकर के दिल्ली कहीं ना कहीं गर्त में जा रही है, कूड़े के ढेर में खड़ी हो गई है। बिल्कुल शिल्पी, चाहे किसी चीज, चाहे स्कूल का मामला हो या फिर कचरा प्रबंधन की अगर हम बात करें, ये ताजा मामला है उसकी बात करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसमें इंटरफेयर किया है और एलजी को फटकार लगाई एक तरीके से, और उन्होंने ये खुद भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा है कि हर मामले में आप मुख्यमंत्री को मत घसीटिए, आपको सिंपल अंग्रेजी भाषा में बताना है कि कूड़े के पहाड़ कब हटेंगे। याचिकाकर्ता जो है, जिन्होंने याचिका लगाई थी, उसमें कहा गया था, बैठक में तय हुआ था कि रोजाना 2 बार इन पहाड़ों की सफाई होगी, जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है उनके नाम बकायदा एक वेबसाइट पर होने चाहिए, इसके लिए सजा का प्रावधान भी होना चाहिए। शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए।